हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आशीष टिम्पल, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल एज ए स्टेटस मोटिवेशन। तो आज हम नए वीडियो में आप सभी का पूरा स्वागत करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा सफलता के लिए पहला कदम विश्वास कैसे हो सकता है। ठीक, सफलता के लिए पहला कदम हम कैसे उठाएं, सफलता के लिए पहला कदम क्या हो सकता है हमारा। तो वन एंड ओनली वे है सफलता के लिए पहला कदम विश्वास। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सचमुच में विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता का ये तरफ यह पहला कदम, सफलता की तरफ यह पहला कदम है, यह मूलभूत कदम है। कौन सा? विश्वास। विश्वास क्या? सफलता की तरफ पहला कदम है आप सभी का, हमारा भी और आप सभी का भी। यानी कि सफल होना है तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। फंडामेंटल यूनिट है कह सकते हैं सफलता का, सक्सेस का फंडामेंटल यूनिट क्या है? विश्वास। ट्रस्ट ऑन योर सक्सेस, ट्रस्ट ऑन योर सक्सेस इज द फर्स्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके ओके। कदम एक, खुद में विश्वास करें, सचमुच में विश्वास करें, अपनी सफलता पर विश्वास करें, अपने रास्ते पर विश्वास करें, जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करें। यह पहला कदम है सफलता की ओर। ठीक है, यानी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा भैया। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको लीडर बनना है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। जिंदगी में आपको कुछ भी बनना है ना, तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आप भी एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऐसे लोग हैं जो अवसर को छोड़ते नहीं, जो अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं मानता हूँ कि वो अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए वो इस वीडियो में आए, वीडियो को देख रहे हैं। कहने का मतलब, वो अमीर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम दुनिया में एक सक्सेसफुल पर्सन बने, वो चाहते हैं कि मेरा भी एक अलग नाम पहचान हो, वो चाहते हैं कि मैं भी एक लीडर बनूं, वो चाहते हैं कि लोग मेरी बातों को भी ध्यान से सुने, वो चाहते हैं कि मैं भी एक लग्जरियस लाइफ जीऊं अपने जीवन में। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए जो आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं तो उस पर विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अगर आप गलत भी कर रहे हैं ना, उस पर अच्छी तरह से सोचिए, उसके बाद विश्वास कीजिए। गलत कर रहे हैं तो, अगर अच्छी काम कर रहे हैं तो सोचिए और विश्वास कीजिए। सबसे पहले जरूरी चीज होती है, सोचिए और विश्वास कीजिए। ठीक, यह पहला कदम है सफलता की ओर। वन एंड ओनली वन स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस इज ओनली ट्रस्ट ऑन योर सक्सेस। सफलता पर विश्वास, ये जरूरी चीज होती है, सफलता पर विश्वास। अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता पर विश्वास नहीं है ना, अगर उसको ये विश्वास है कि हम सफल नहीं हो सकते, तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन में दो चार लोग सफल हो जाते हैं तो उन्हें एक्सेप्शन मान लिया जाता है, पर 100% लोग सफल नहीं हो पाते अगर उन्हें विश्वास नहीं होता है तब। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने जाना था कि विश्वास की शक्ति को हम किस तरह विकसित कर सकते हैं। हाउ कैन आई ग्रो द ट्रस्ट, हाउ कैन आई ग्रो द ट्रस्ट ऑन योर सक्सेस। ठीक, हाउ कैन आई ग्रो द पावर ऑफ सक्सेस, हाउ कैन आई ग्रो द पावर ऑफ ट्रस्ट ऑन योर सक्सेस। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे, उसमें क्या तीन स्टेप के बारे में बात किया था, तीन सब टॉपिक है उसके। पहला है सफलता पर विश्वास करें, सफलता को भूल जाए, यानी सफलता के बारे में सोचे, असफलता को भूल जाए। हमेशा सफलता के बारे में सोचें, असफलता को नहीं सोचना है। अगर आप जीवन में कभी भी असफलता को सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सफल होना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप अमीर बनना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप लीडर बनना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप दुनिया में अलग नाम पहचान नहीं चाहते, आप वहीं घिसे पीटे लोगों की तरफ पुरानी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप 18 की एज तक अगर आप गरीब हैं तो बेशक आपकी गलती नहीं है, पर वहीं आप 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में गरीब रहें तो बेशक इसमें आपकी गलती है। क्योंकि 25-20 से जो एज शुरू होती है वो होती है समझदारी वाली एज, यंग एज होती है, जिसमें लोग ये सोचने लगते हैं अपने कैरियर को हम कैसे बनाएं। अगर वो कैरियर को अपने गलत तरीके से ढालेंगे तो अमीर नहीं बन सकते। अगर आप कैरियर को जॉब में दे सकते हैं तो वो अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति जॉब से अमीर नहीं बना है, आज तक कोई भी व्यक्ति जॉब से अमीर नहीं बना है। जो भी व्यक्ति अमीर बने वो बने बिजनेस से और अपनी सोच से, और सोच में विश्वास से। ठीक है, तो आप सभी भी बिजनेस कीजिए, सोच रखिए, सफलता पर विश्वास रखिए, तो आप फिक्स है कि अमीर बन सकते हैं। ये मत सोचिएगा, जब तक पढ़ाई का मकसद ये रहेगा हमारे समाज में ना कि पढ़ लिख के बेटा नौकरी करो, तो उसमें हमेशा ही नौकर पैदा होंगे समाज में। ठीक है, इसीलिए पढ़ लिख कर ज्ञान लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई मत करो, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ लिख कर ज्ञान लो। ठीक है, उसके बाद भी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर ज्ञान पूरी हो जाए, जहाँ तक ज्ञान लेनी थी ले लिया, उसके बाद ये ज्ञान लो, तुम्हें ये ज्ञान लेना होगा कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, हम अमीर कैसे बन सकते हैं, इस सभी के बारे में ज्ञान लो 10th तक 12th तक। उसके बाद अगर किसी का सपना होगा साइंटिस्ट वैसा बनने का, तो बन सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी ज्ञान लेना जरूरी है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं,
हम लीडर कैसे बन सकते हैं, हम एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, इस सभी के बारे में आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए सीखना पड़ेगा भैया, सीखना पड़ेगा। जिंदगी के हर एक पहलू, हर एक क्षण, हर एक समय और हर एक सेकंड में आपको सीखना पड़ेगा। बच्चे से सीखिए, बूढ़े से सीखिए, जवान से सीखिए, लेडीज से सीखिए, जेंट्स से सीखिए, किसी से भी सीखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम सीखेंगे तो सीखेंगे केवल गुरु से, नहीं। आप लड़के से सीखिए, लड़की से सीखिए, गर्लफ्रेंड से सीखिए, बॉयफ्रेंड से सीखिए, गुरु से सीखिए, या चाहे कि छोटे बच्चे से सीखिए, भाई से सीखिए, बहन से सीखिए, जिससे सीख मिलता है उससे सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने के लिए हमेशा ही जिद रखिए अपने दिल में, सीखने के लिए अपने दिल में हमेशा ही जिद रखिए, क्योंकि जो जीतता है वही सीखता है, ठीक। इसका मतलब समझे, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए आप लोग, यानी कि जो सीखता है वही जीतता है। सीखना बंद तो जीतना बंद, क्या सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है, ओके। विश्वास की शक्ति की दूसरी बात क्या बताए थे हम, कि आपको बार बार याद दिलाना होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे आप कहीं बेहतर हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं, आपको विश्वास है, उससे आप कहीं बेहतर सफल हो सकते हैं अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं तब, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, बड़ी सोच में विश्वास रखें। आपकी सफलता आपका आकार कितना बड़ा होगा आपके विश्वास के आकार से तय होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लाख रुपये कमाएंगे तो आप लाख ही तक कमा पाएंगे, उससे आगे नहीं कमा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं करोड़ कमाएंगे तो ये आपकी बड़ी सोच है, इस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कभी ना कभी तो करोड़ कमाएंगे। उसके लिए आप मेहनत कीजिए, आपका दिमाग प्रेरित करेगा, वैसे काम देगा आपको कि आप यहाँ से लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बहाने साइटिस का इलाज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।